मेरी भेंट स्वीकार करो मां, कलयुग का जमाना है, मजबूरी में इंसानों की जगह पशुओं की बलि देनी पड़ती है। तू तो अंतर्यामी है, मेरी मजबूरी को जानती होगी, लेकिन तेरी इस धरती के लोग समझते क्यों नहीं कि मैं कोई मामूली चोर उचक्का नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे ठगों के वंश का रखवाला हूं मैं। लूट मार हमारा पेशा नहीं, धर्म है। कत्ल खून जुर्म नहीं, बल्कि इस दुनिया की तकलीफों से मुक्ति दिलाने का साधन। हमको शक्ति दो मां, हम अपने काम में सफल हों। लोग हमारे नाम से कांपे, हमारी गोलियों की रफ्तार बिजली से ज्यादा तेज हो। जय भवानी। जय भवानी। मेरी भक्ति को भंग करने की इजाजत किसने दी तुझे? माफी चाहता हूं सरकार, बात खतरे की थी इसलिए चलाया। जो आदमी मौत से नहीं डरता उसके लिए कोई भी बात खतरे की नहीं हो सकती। शहर में नया DSP आया है, हर आदमी से पिछले DSP रहीम के बारे में पूछ रहा है जिसे हमने कैद कर रखा है। तो फिर इस नए DSP की मुलाकात तुझसे जरूर होनी चाहिए। छोड़ दो उसे, और जब वो भागे तो दिन दिहाड़े सबके सामने उसे गोली मार देना। DSP रहीम, अगर तुम जिंदा हो तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, और अगर नहीं तो तुम्हारे अधूरे काम को पूरा करके छोड़ूंगा, इस शहर के नासूर को मिटा के छोड़ूंगा। तो क्या मालूम बा कि रेलवे के टिकट्स के दाम बढ़ गई? अब इलाहाबाद जाए खातिर हमरा पान के दाम बढ़ाए के पड़ी तबे इलाहाबाद जा सके, नहीं तो साबुलाता साहब चलो। राम राम साहब। राम राम। DSP रहीम के लापता होने के बारे में क्या जानते हो? नहीं, हम कौन इंस्पेक्टर रहीम के नहीं जानते हैं साहब, कैसे और कहां लापता हो गए हम क्या जानता। दिमाग पे जरा जोर डालो। DSP रहीम
इसी शहर में थाना इंचार्ज थे। तो रहे होंगे सरकार, अब जो चोरी करे डाका डाले वो जाने इंस्पेक्टर राहिम का, हम तो शरीफ मना ही ठहरे इंस्पेक्टर साहिब। हाँ तू मुतवा होटल वाले से जाके पूछो ना, वो बताए तोरा के। तुम भी डीवाईएसपी रहीम के बारे में कुछ नहीं जानते होगे। रहीम सॉरी साहब, पहली बार नाम सुना। डीवाईएसपी रहीम की बात कर रहा हूँ, इसी शहर में थाना इंचार्ज थे जो 2 महीने से लापता हैं। अयो बालाजी लापता, भगवान तिरुपति जाओ, नारियल फोड़ो, प्रॉब्लम सॉल्व। चलो बाजू 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 हटो, बाजू बाजू हटो, चलो चलो पीछे रहो बाजू। डिवाइस भी रही, किसने मारा है इन्हें, किसने मारा है इन्हें? आपको मालूम नहीं साहब? किसी को नहीं मालूम, तुम सब यहां थे, इनका खून अभी ताजा है, तुम सबने देखा होगा। बोलो बोलो गोली किसने चलाई बताओ, वरना मैं एविडेंस विथहोल्ड करने के जुर्म में तुम सबको बंद करवा दूंगा। यो, हम तो आपके साथ में था जी। तुम कहाँ थे? हम तो पान पड़वा था साहब। आपने कुछ नहीं देखा? मुझे कम दिखा देता साहब। तुम कहाँ थे? तुम कहाँ थे? अपुन अपना जगह पे था साहब। लगता है मर गया है। सुना है जिनसे भगवान को ज्यादा मोहब्बत होती है उन्हें जल्दी उठा लेता है, तभी तो मसला है ना कि बेचारा भगवान को प्यारा हो गया। मेरा नाम राणा है। डीवाईएसपी प्रताप सिन्हा। ओ ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, भाई बड़ा नाम सुना है आपका। जहां कहीं भी अत्याचार सर से ऊपर हो जाता है आपको भेज दिया जाता है। मैं अपनी तारीफ सुनने के मूड में नहीं हूं इस वक्त राणा साहब। एक ऑफिसर अपनी ड्यूटी करते वक्त मारा गया है और ये सब खामोश हैं। भाई एसपी साहब, इस शहर की कहानी भी हिंदुस्तान के बाकी शहरों से अलग नहीं है। इन्हें भी डर है कि अगर इन्होंने कहीं सच बोल दिया तो इनका हाल भी वही ना हो जो इस बेचारे का हुआ है। लेकिन आप जैसे ऑफिसर के रहते इन्हें डर किस बात का? बोलो भाई, इसे गोली किसने मारी है? अरे भाई बताते क्यों नहीं? हाँ एक ऐसा जमाना है, हर शख्स बेगाना है, हर आंख पे पर्दा है, हर होंठ पे ताला है, पर ऐसे जमाने में कोई तो मसीह होगा, खुद गर्ज नहीं होगा, बेदर्द नहीं होगा, जुल्मों के खिलाफ अपनी आवाज उठाएगा, वो शख्स यही होगा, वो शख्स यही होगा।
सामने बच्चा उड़ा दो साले को। तुझे तू नहीं जानता है मैं किसका आदमी हूँ। अबे जा जा बहुत देखे तेरे जैसे। मेरा पता 24 पालीमाला रोड बांद्रा बॉम्बे है, जब जी चाहे चले आना साला। नहीं तो ये क्या बात है, कौन हो तुम? मेरा नाम त्यागी है, रमेश त्यागी। नाम से तो पहचान ही गए होंगे। तुम्हारे बेटे ने मेरे आदमी और माल पकड़वा कर मुझसे दुश्मनी मोल ली है। मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे की मोहलत देता हूं, ये मकान और दुकान बेचकर शहर छोड़कर चले जाओ। ग्राहक तुम्हारे सामने खड़ा है, वरना इन बूढ़े कंधों पर अपने दूसरे बेटे का जनाजा भी उठाना पड़ेगा। बाबा ये सामान किस लिए सब? क्या हम लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, हम ये घर ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। कमाल करते हैं आप, ये का कोई पहली अप्रैल है कि आप मुझे बुद्धू बना रहे हैं? बताइए ना, ये सब किस लिए? ये सब बोलिए। बंबई जैसे सीमेंट के जंगल में रहते रहते दम घुटने लगा था, ये घबरा गया था। अचानक एक ऑफर आ गया, मैं इनकार नहीं कर सका। घर और दुकान की चाबियां आज ही उन्हें दे दी। बाबा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे ये घर बेच दिया आपने, दुकान भी बेच दी, और मेरी पढ़ाई के बारे में कुछ सोचा आपने? अरे जहाँ जा रहे हैं क्या वहाँ वहाँ यूनिवर्सिटी और कॉलेज नहीं होंगे? जाओ जाओ अपना सामान बांधो, मैं ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करने जा रहा हूँ। भाभी ये सब क्या है? भाभी बाबा कह रहे थे कि हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं, ये शहर छोड़ के जा रहे हैं, सच क्या है बताओ भाभी? तुम भी खामोश हो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब मैं लड़ झगड़ कर कभी घर लौटा हूं तो बाबा ने मेरे जख्मों को देखकर मुझे लंबा चौड़ा लेक्चर न दिया हो, ये ना कहा हो कि दूसरों के मामलात में दखल मत दिया करो। लेकिन आज वो खामोश रहे भाभी। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा उन्होंने मुझसे। जब मैं सुबह कॉलेज गया था तो बॉम्बे हिंदुस्तान की उन्नति का बैरोमीटर था। जब मैं कॉलेज से लौटा तो वो सीमेंट का जंगल बन गया। नहीं भाभी सच कुछ और है, तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। भाभी बताओ सच क्या है तुम्हें? मेरी कसम भाभी, बोलो भाभी सच क्या है, बोलो।
कमीने, अगर अपनी भाभी से शहर छोड़ने का वादा ना किया होता मैंने तो इसी शहर में रह के तेरे साथ जिंदगी भर मुकाबला करता, लेकिन फिलहाल के लिए तो तेरे लिए सजा ही काफी है। लो भाई, हम अपने नए शहर आ गए। भगवान हमारा यहाँ आना शुभ करे। शहर तो अच्छा लगता है बाबा। हाँ, बस अब कोई अच्छी सी जगह मिल जाए दुकान के लिए तो मजा आ जाए। कौन है ये पागल जैसा? हुजूर, ये पागल था नहीं, पागल हो गया है। दरअसल ये एक बैंड मास्टर था। 2 साल पहले उसकी बेटी की शादी के दिन कुछ लोग जबरदस्ती उसकी बेटी को उठा कर ले गए। जब से बेचारा पागल हो गया। बजाओ बजाओ बजाओ। राणा साहब, बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ ले आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, तो हमारा फर्ज था। बड़ी शानदार दुकान खोली है आपने। बस मेहरबानी। डीसीएम टेक्सटाइल जैसी नामचीन कंपनी की इतनी बड़ी दुकान छोटे से शहर में। जिस शहर में आप जैसे महान लोग रहते हो वो शहर छोटा कैसे हो सकता है राणा साहब। आइए, तशरीफ लाइए। डीसीएम की लेटेस्ट टैलेंट शो साइज। अम्मा वाह, अम्मा क्या रंग बिरंगे कपड़े हैं वल्ला। अम्मा किसी भी लौंडे को पहना दो उसका जोबन खिल उठे। बहुत खूबसूरत प्रिंट्स हैं आपके डीसीएम टेक्सटाइल के। ठीक है, ये सब थान बांध दीजिए और हमारी तरफ से आए सभी मेहमानों को एक एक जोड़ी कपड़ा भेंट कर दिया जाए। वाकई में बहुत रहम दिल हैं आप। आइए आइए, बहुत देर कर दी आपने आने में डीवाईएसपी साहब। माफी चाहता हूँ नाथ साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। बड़ी शानदार दुकान खोल दी आपने। इस शहर में कमियां तो बहुत हैं, एक कमी ये भी थी सो आपने पूरी कर दी। एक कमी आपने पूरी कर दी मिस्टर प्रताप, डीवाईएसपी रहीम की। अच्छा नाथ साहब, मैं चलता हूं। मैं भी हाजिर हूं।
दुनिया के हम उड़ते फिरे हम सपनों में हम हर रास्ते में है देखो दुनिया के हम
किसके लिए रो रही है? वो साला बुजदिल था जो तुझे छोड़ के भाग गया। चल अब उनके साथ। चल। छोड़ दो मुझे। You bastards! अरे बेटी, बेटी कहाँ खो गई तुम? ये यहाँ के थाना इंचार्ज हैं, डीवाई एस पी प्रताप, और प्रताप साहब ये मेरी बहू है सुषमा। कैसे देख रही थी सुषमा मुझे, कितनी उदास लग रही थी। सोच रही होगी कि मुझ जैसा बुजदिल पुलिस ऑफिसर कैसे बन गया। काश उसे बता सकता कि अपनी बुजदिली से लड़ने का यही एक रास्ता था। लाइन में खड़े हो जाओ और तीन बार फर्शी मार के जाओ। अगर मैं जूनियर होता तो फर्शी जरूर मारता, लेकिन साहब मैं फाइनल ईयर एमए का स्टूडेंट हूँ। एमए और मैं 5 साल से फर्स्ट ईयर में फेल हो रहा हूँ। सलाम करो। सलाम? और अगर ना करूं तो? तो तुम्हें कोई और कॉलेज ढूंढना पड़ेगा, और वो भी किसी और शहर में है। क्यों, क्या ये शहर तुम्हारे बाप का है? शहर तो बाप का ही है। और बाप का नाम राणा है। राणा? राणा, अच्छा नाम है। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। अच्छा। आज पहली बार किसी ने जाकर को जवाब दिया है। आई लाइक इट। Have a sip. Thank you. Thanks. Namaskar. Pratap sahab. राज साहब कहाँ जा रहे हैं? बस वो दुकान बंद करके घर जा रहे थे। आइए आपको ड्रॉप कर देता हूँ, मैं भी उसी तरफ जा रहा था। चलिए। और सुनाइए, दुकान कैसी चल रही है? सब भगवान की कृपा है। ओ,
गई ना। अभी सारी शक्कर गिर जाती। अरे शक्कर गिर जाती तो क्या होता, इस घर में तुम्हारे होते हुए शक्कर की कमी तो हो नहीं सकती। अच्छा, तुम्हारी बातों में शक्कर, तुम्हारी आंखों में शक्कर, तुम्हारे बालों। बस करो बस करो, वरना लोग मुझे हलवाई की दुकान समझने लगेंगे। अच्छा ये बताओ, इतना मक्खन क्यों? अरे भाई, तीन प्याली चाय का सवाल है बाबा। अपुन के लिए, अपुन के बाप के लिए और श्रीमान प्रताप साहब के लिए। ये पुलिस वालों की दोस्ती अच्छी नहीं होती। ये तस्वीर किसकी है? ये मेरे बड़े भाई मेजर वीर थे, बहुत दिलेर ऑफिसर थे। जब लड़ाई के मैदान में इनकी पूरी कंपनी हलाक हो गई तो ये अकेले लड़ते रहे और मुकाबला करते हुए मारे गए। अकेले होने पर भी ये भागे नहीं। I'm sorry. आइए ना, चाय प्लीज, वरना ठंडी हो जाएगी। बैठिए, आइए। भाभी, वो अपनी रिपीट वैल्यू वाली चाय तो पिलाई प्रताप साहब को। ओ, ये लीजिए। जानते प्रताप साहब, मेरे वीर भैया दिलेर होने के साथ साथ बहुत बड़े रोमांटिसिस्ट भी थे। मेरी भाभी को उन्होंने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में गुंडों से बचाया था। क्यों भाभी? अपने बारे में भी तो कुछ बताइए आप। मेरे बारे में बताने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं नाथ साहब। अरे फिर भी, कितने बच्चे हैं? मैंने शादी नहीं की। शादी से डर के शादी नहीं की या कोई आज तक पसंद ही नहीं आई? कुछ यूं ही समझ लीजिए, डर गया था। ओ, मैं तो भूल ही गया था ना साहब, इजाजत दीजिए, मुझे एक प्रिजनर की कस्टडी लेनी है इसी वक्त, मैं चलता हूँ। छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। इंस्पेक्टर केएल शर्मा। प्रताप सेना। सर, यही वो मुजरिम है जिसे एक रात कस्टडी में रखना है। क्या किया इसने? इसने एक 16 साल की लड़की के साथ रेप किया है, उसके बाद गला घोट कर मार डाला। बंद कर दो इस हरामजादे को। अगर मैं हरामजादा हूं तो तू कुत्ता है, सरकारी पालतू। बुजदिल, ले जाओ। और सिर्फ एक बार मेरे हाथ तो खोल कर देख, तुझे अगर छठी का दूध ना याद दिला दूं तो मुझे अपना गो खिलाना। अकेले होने पर भी वो भागे नहीं और लड़ते लड़ते मारे गए। अकेले होने पर भी वो भागे नहीं और लड़ते लड़ते मारे गए। अकेले होने पर भी वो भागे नहीं और लड़ते लड़ते मारे गए। एक 16 साल की बच्ची की इज्जत लूटकर, उसकी जान लेकर अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो। ये लो चाबी, खोलो अपनी हथकड़ियां और बेड़ियां।
दरवाजा भी खुला है। अब तुम्हारी कैद और आजादी के बीच सिर्फ मैं हूं। अगर तुम यहां से बाहर निकल सके तो तुम्हारी रिहाई की जिम्मेदारी मैं अपने सर पर लेने को तैयार हूं। अब मारो मुझे, मारो मुझे। मारो मुझे। प्रताप, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, भगवान के लिए रुक जाओ। इसी तरह मारा होगा उसे तूने, इसी तरह मारा होगा उसे तूने, इसी तरह कपड़े फाड़े होंगे उसके तूने। वो रो रही होगी और तू हंस रहा होगा। औरत को बेहुर्मत करने वाले कुत्ते, भूल गया तुझे जन्म देने वाली भी औरत थी सुअर, तेरी माँ भी औरत थी, मेरी सुषमा भी औरत थी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोडूंगा। ये मर जाएगा साहब, क्या कर रहे हो साहब? ये मर जाएगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ साहब। I'm a coward. मैं बुजदिल हूं, मैं बुजदिल हूं। अच्छी तस्वीरें। कितनी गोलियां खर्च की इसे मारने में? 38 बोर की 3 गोलियां राणा साहब। बहुत फजूल खर्च हो गए हो, महंगाई का जमाना है, जरा किफायत से काम किया करो। बेहतर सरकार। बहुत बुरा जमाना आ गया है, बहुत बुरा जमाना आ गया है। भगवान करे और बुरा हो जाए। इसे मारने के त्यागी ने 2 लाख रुपए देने का वादा किया है। ये तस्वीरें उसे दिखा देना और उससे रुपया ले आना जी। और हाँ, वो वैन आ गई। चलो चलो। इसे हमारे खास मेहमानों के नीलाम के लिए रख दो, बाकियों को नहला दुलाकर बेच दो। थो। जब तुझे खुद ही अपनी जान की परवाह नहीं तो मुझे क्यों हो? अच्छा खासा खूबसूरत जिस्म जाया हो गया, अब किसी दूसरी लड़की का इंतजाम करना पड़ेगा। इंतजाम हो जाएगा बाबा, एक लड़की मेरे निगाह में है। अरे ये तो वही है, तो वही लड़की है, अच्छी है, पर थोड़ी लंबी है। खैर, जरूर मेरी लंबाई के बारे में सोच रहा होगा। आज कॉलेज में मिलूंगा इसे।
लोगों ने ठीक ही कहा है, जिनकी हाइट ज्यादा होती ना उनकी अकल बहुत कम होती। क्यों री? उस हरामजादे के साथ बहुत याराना दिखा रही थी। ओ ये तेवर क्यों, उसमें कुछ खास बात है जो मुझ में नहीं है? अरे वाह मेरी टीना मुनीम, हाउ आर यू मेकर्स? हाँ तुम इस प्यार के हकदार हो के नहीं, इसका फैसला हो जाए तो बेहतर है। क्यों? तो हमने ठीक ही समझा था भाई, बहुत चारना लगता है तुम दोनों में हैं? देखो राजा जानी, हॉकी स्टिक तो तुम्हारे हाथ में भी है और जाहिर है कि हॉकी मेरे हाथ में भी है। एक सिंगल्स मैच हो जाए। क्यों नहीं, व्हाई नॉट? गुड। एक तरफ सिर्फ तुम, हाँ, एक तरफ सिर्फ मैं, हाँ, बीच में ना कोई रेफरी, ना कोई रूल्स, ना कोई रेगुलेशंस। दैट्स द वे आई लाइक इट। लगी है ना? अरे क्या बताऊं, बड़ी बेदर्दी से मारा है साले ने, लेकिन इन बाहर के जख्मों को पोपोस्टे से कुछ नहीं होगा मैम साहब, चोट तो अंदरूनी लगी है, अंदरूनी। इधर अता काय करूं मैं, क्या करूं मैं? मैं बताता हूं, मेरे दिल पे अपना दिल रख के बस इतना बता दो। सांगा ना तुम ही, क्या बोलना चाहते हो? कि तुम्हारी लंबाई कितनी है? Oh you, I hate you. अरे नहीं नहीं, I hate you. You hate me? I have no talk with you. मतलब नहीं। अरे अरे मैम साहब। चले आओ ना, गले से लग जाओ ना, दीवाने को सताओ ना, आ भी जाओ ना, आओ ना, बाहों में चले आओ ना, गले से लग जाओ ना, दीवाने को सताओ ना, आ भी जाओ ना, आओ ना।
मन को सताओ ना, आप ही जाओ ना, आओ ना, बाहों में चले आओ ना, गले से लग जाओ ना, दीवाने को सताओ ना, आप ही जाओ ना, आओ ना। खुल्लम खुल्ला किसी की साइकिल के आगे के डंडे पर बैठते शर्माती रहती। अरे रंडोस, दूर हट, दूर हट। लेकिन हम तो चुप। बच्चे बच्चे मत बोल, मध्य मध्य बोलो का, डोंट स्पीक इन मिडल, समझो? नहीं समझो? तू कौन सी भाषा बोलता है? अजी राष्ट्रभाषा हिंदी। अच्छा तो बीच में मत बोलो, समझा? जी जी। लड़का कितनी छान है। शी इज राइट। लड़का अच्छा है ना? लड़का अच्छा है। ऐसी नाजुक वस्तु पर अत्याचार करता है और बोलता है लड़का कितना अच्छा है। ये क्या कह रहे हैं आप सर? हमने तो कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया सर? कुछ भी नहीं किया? ऐसी नाजुक साइकिल पर दो जने चढ़ बैठे और बोलता है कुछ भी नहीं किया? चुप, फसफसाहट से निकाल। और आप इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या किया है मेरी बेटी ने?
क्या कोई लड़की किसी लड़के की साइकिल के डंडे पर बैठती नहीं? भूल गए अपना जमाना? अब याद है, याद है। सारा दिन घर में बैठे बैठे क्या करती है? छोकरी पर नजर नहीं रखती है? बैठ कर वो सब एक ही है। तुम्हारे दोनों का इतिहास बाद में लिखेगा, पहले लड़के का बात करो। देखो एंथोनी, तू मेरा बचपन का दोस्त है, लंगोटिया फ्रेंड, अंडरवेयर फ्रेंड। अब तुझे पूछे बिना मैं कोई काम नहीं करता। अब इतना बता, लड़का कैसा लगता है? दिखता है। सबसे पहला एक बात। यस सर। तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करता है? यस सर, मैं जलपा से प्यार करता हूँ सर। तुम? यस अंकल, आई लव हिम। अच्छा, मुंह खोलो। जी मुंह खोलो। दांत क्या देख तू मिला? अरे अपना दोस्त है एंथोनी, बचपन का दोस्त है, जो करेगा बराबर ही करेगा। असली है। अभी दूसरा बात। जी पीता है? नहीं सर। पीता नहीं? नहीं पीता मां, मैं कभी नहीं पी। मैंने दारू नहीं पीता। वाह लड़का अच्छा है, एक दूसरे को बहुत प्यार करता है। अच्छा? और पीता नहीं। लेकिन एंथोनी तू भी कमाल है, लड़के को देखता है जैसे घोड़े को देखता हो। ए डंडुस, इधर आओ। जी। देखो कल हम तुम्हारे घर तुम्हारे माता पिता को मिलने के लिए आने वाले हैं। यस 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 सर। ओ भाभी, अरे मैं आ गया भाभी। अरे मेरी भाभी 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 आ रही है। भाभी कौन आ रही है? कौन आ रही है? अरे वो आ रही है, वो। अरे वो कौन? वो कौन? अरे वो जलपा। जलपा? जलपा नहीं जानती? अरे वो लड़की जिसके बिना ये सारी दुनिया मुझे वीरान लगे, जिसके बिना हर जगह मुझे ऐसा लगे जैसे घोर अंधेरा। तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा था भाभी कि वो कल अपने माँ बाप के साथ यहाँ पर आने वाली है। कौन? वो जलपा। जलपा उसके माँ बाप। भाभी ऐसा करना तुम कि वो अपने डैडी है ना, बस ऐसा करना कि उनका पटा लेना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, उनका पटा लेना। ऐसा करना कि मेरी चट मंगनी और पट बिया हो जाए। अरे बेटे। जी बेटे। जी ये सब क्या हंगामा हो रहा है? वो भाभी का पाँव छू रहा था। अच्छा, अच्छा। अरे सुनो जी, कल बम्बई में DCM टेक्सटाइल की एग्जीबिशन हो रही है, वहाँ जाना। वेरी गुड। अरे कल दोपहर तक लौट आएंगे। मुझे जाना होगा। हाँ हाँ, आजकल के नौजवानों की क्या पसंद है, उन्हें क्या डिजाइन अच्छे लगते हैं, मुझसे बेहतर तुम जानते हो। भाभी अरे कैसे जा सकते हैं, वो भाभी जो के लिए रह जाएगी। मैंने प्रताप को कह दिया है, वो शाम को आके देख जाएगा। चलो वक्त हो रहा है ट्रेन का, चलो चलो जल्दी करो। मैंने प्रताप से कह दिया है, वो शाम को आके देख जाएगा। चाय। थैंक यू। उस दिन मेरा मतलब वो नहीं था। जी? उस दिन जब आप मेरे पति की तस्वीर देख रहे थे, मैं कहना कुछ और चाहती थी, कह गई कुछ और। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपने जो कहा वो सच ही तो था,
शर्मिंदा तो मैं हूं अपनी कायरता पर, अपनी बुजदिली पर। अपनी जान आदमी को कितनी प्यारी हो सकती है, इसका सबूत तो मैंने खूब दिया उस रात को। तुम्हारी चीखें मुझे पुकार रही थी और मैं भाग रहा था। तब से आज तक तुम्हारी वो चीखें मुझे झंझोड़ रही हैं, लेकिन उस रात तो मैंने पलट कर भी नहीं देखा तुमको। सोचा भी नहीं कि मेरी सुषमा का क्या होगा। मैं बुजदिल हूं। I am a bloody coward. उस रात के बाद मैं सिर्फ भाग ही रहा हूं अपने आप से, अपने इस बुजदिली के एहसास से। वो शहर, वो घर, वो सारे वादे जो तुमसे किए थे, उन सबको छोड़कर भाग गया था। मैं जानता था कि उस दिन के बाद तुम्हारी निगाहों में मेरे लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं होगा। उस दिन के बाद तुम मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहोगी। लेकिन मैं तो लौट कर आई थी प्रताप, तुम ही नहीं थे। मेरी रहोगी, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर पाएगा, कोई जुदा नहीं कर पाएगा जलपा, कोई नहीं। बचाओ! Run! Come on, run! छोड़ दो मुझे। तुम्हें बहुत मौका दे, लेकिन तुम भाग नहीं सकी। जाने दो। अपनी माशूक की जीत बहुत खुश हो रही थी ना, तुम ऐसी जगह जहाँ हर रात तुम्हें एक नया माशूक मिलेगा। नहीं, नहीं। जाने देता हूँ। आइए आइए त्यागी साहब। कैसे हैं राणा साहब? कहिए, कैसी ड्राइव रही बॉम्बे से यहाँ तक की? मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ता कट ही जाता है राणा साहब। ये चेहरे पर दाग कैसे? पहले तो नहीं थे। यूं ही एक बार मुंह के बल गिर गया था मैं। खैर, आप सुनाइए, इस बार आपने अपने मेहमानों को लेकर अंजाम किया है?
बंजारों का दिल निकाल लाया हूं त्यागी साहब, खूबसूरती की इंतहा, देखने में भी और सुनने में भी।
टुकड़े टुकड़े हाथिल कर दे तड़ पाए जा मुझको तड़ पाए जा मेरा लहू भी रंग लाएगा राणा, इस शहर की कहानी इस देश के दूसरे शहरों से अलग होगी। नहीं, अलग नहीं होगी। इस शहर की कहानी अलग हो ही नहीं सकती। कुचल दो, गला घोंट दो इस आवाज का, ऐसी मौत दो इस आवाज को ताकि फिर कभी ना उठ सके इस शहर में। ऐसा ही होगा सरकार। ठहरो बाबा, ये काम आप मुझ पे छोड़ दो। जैसा आपने सोचा है वैसे ही होगा। बता तेरी बेटी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? अपनी बेटी का पता नहीं मालूम? बड़ा नालायक बाप है। तुम्हारा पति कैसा आदमी है? उसको तो हम ढूंढ ही लेंगे। तुम सब लोग इस बात को गौर से सुन लो। अगर किसी ने भी इस अभियंकर की बेटी को पनाह देने की गलती की तो उसका भी यही हाल होगा जो इन सब का होने वाला है। इन लोगों ने हमारे खिलाफ गवाही दी है और उसकी सजा हमारे इंसाफ में सिर्फ मौत है। अभियंकर साहब, कोशिश कीजिए। अभियंकर साहब, मुझे बताइए आप पर गोली किसने चलाई? बताइए बताइए। अभियंकर साहब, कोशिश कीजिए। राणा का बेटा चाकाल। चाकाल? मैं जानता हूं कि इन बंद खिड़की और दरवाजों के पीछे तुम सब की आंखें और कान खुले हैं, तो सुनो। अभियंकर साहब ने जाकाल को अपना कातिल ठहराया है। मुझे सिर्फ एक आदमी की गवाही चाहिए कि जो अभियंकर साहब ने कहा वो सच है। सिर्फ एक आदमी कोई है जो गवाही देगा? बोलो, जवाब दो। मुझे सिर्फ एक आदमी की गवाही चाहिए। बुज़दिलो, कायरों,
कुछ होने वाला नहीं है पुलिस बाबू, कुछ होने वाला नहीं है। ये मरे नहीं है, ये तो जिंदा है। अरे मरे हुए तो ये लोग हैं, जिंदा लाशों की तरह। इसी तरह एक दिन मेरी तानिया मुझे छोड़ के चली गई, उस दिन भी ये लोग ऐसे ही चुप थे, सब चुप थे, सब चुप थे। ले जाओ उसे। मेरे बेटे को मेरे ही घर में मेरे ही सामने गिरफ्तार करके तुम ये सोच रहे होगे कि कितनी बड़ी जीत है ये तुम्हारी और कितनी बड़ी हार है ये मेरी। लेकिन इस हार जीत का फैसला आज नहीं, उस दिन होगा जब अदालत में तुम्हें मेरे बेटे के खिलाफ सिर्फ बेबसी और लाचार खामोशी ही मिलेगी। क्योंकि मरते हुए इंसान का बयान कानून की निगाह में काफी नहीं, और जिंदा इंसान की गवाही मिलना तुम्हें इस शहर में नामुमकिन है। मैं नामुमकिन को मुमकिन बना दूंगा। बैठो। अगर तुम ये दावा अपनी इस वर्दी के जोर पर कर रहे हो तो ये जान लो कि तुम में और मुझ में इतना लंबा फर्क है कि आज तुम जो कुछ भी हो वो सिर्फ इसलिए कि शायद इससे ज्यादा तुम कुछ बन नहीं सके, और मैं जो कुछ भी हूं वो सिर्फ इसलिए कि ये मेरे पुरखों की, मेरी और मेरी आने वाली नस्लों की विरासत है और हमेशा रहेगी। मुगल राज से ब्रिटिश राज तक और उसके बाद आज तक हम अटूट रहे हैं। 20वीं सदी में रहकर 15वीं सदी में जीने वाले को मैं दिमागी अस्पताल में भर्ती करने का कायल हूं। सच कहा तुमने, तुम्हें समझाने की कोशिश करना मेरा पागलपन ही तो है। और जहां तक मेरे बेटे का सवाल है वो तो छूट ही जाएगा, ये राणा का तुमसे वादा रहा। इस मेहमान नवाजी में आपका खानदानी खून मुंह चढ़ के बोल रहा था। डैडी, आज शाम को जरा आप जल्दी घर लौट आएंगे? क्यों, क्या बात है? वो भाभी आपको बता देंगे डैडी। ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ शाम को। बाय बाय शिव। अरे प्रताप साहब, बात करनी है। There's been a slight problem. जी? Mr. and Mrs. अभ्यंकर का खून हो गया है। क्या कह रहे हैं आप? जलपा तुम्हारे घर में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, घबराने की कोई बात। शिव सुनो,
जलपा, मैं आ गया हूं जलपा। शिव आ गया है, तुम्हारा शिव आ गया जलपा। मेरी तब देखो जलपा, मैं तुम्हारे साथ हूं। होश में आओ जलपा, मुझसे बात करो। नहीं शिव, वो तुम्हें मार डालेंगे। शिव तुम चले जाओ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने मेरे मम्मी डैडी को मार दिया। शिव वो तुम्हें मार डालेंगे। शिव तुम चले जाओ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जलपा, एक एक को देख लूंगा मैं। मैं जाती हूँ। मुझे भरोसा रखो जलपा। नहीं शिव, मैं जाती हूँ। तुम नहीं जा सकती जलपा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। नहीं शिव प्लीज, वो मैं कहता हूँ तुम नहीं जा सकती जलपा। होश में आओ। नहीं शिव प्लीज, मुझे होश में आओ जलपा। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, ये लड़ाई तो अब शुरू हुई है। क्या तुम चाहती हो कि वो सिद्धांत जिनके लिए तुम्हारे माता पिता ने अपनी जान दी, वो सिद्धांत ही खत्म हो जाए, मिट जाए दुनिया से? नहीं जलपा, हमें तो उन सिद्धांतों को शहर के हर नागरिक में जगाना होगा। हमें एक मिसाल बन जाना होगा जलपा, एक अटूट मिसाल। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। आखिरी सफर में अपने कांधे का सहारा भी नहीं दोगे अंडरवेयर फ्रेंड? राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। क्या जरूरत थी उसकी लाश को कंधा देने की? यहाँ सारा शहर उसे बरसों से जानता था। एंथनी उसके बचपन का दोस्त था, वो नहीं आया। लेकिन सारे जहान का दर्द तुम्हारे दिल में क्यों है? बैठे बिठाए राणा से दुश्मनी मोल ले ली। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं बंबई छोड़ के यहां क्यों आया? मैं जानता हूं बाबा, बंबई छोड़ के यहां क्यों आए। भाभी ने मुझे सब कुछ बता दिया था, लेकिन मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं बाबा, बस एक सवाल। आप हर रोज गीता का पाठ करते हैं, क्या आपकी गीता ये नहीं कहती कि अगर जुल्म करने वाला पापी है तो जुल्म सहने वाला भी उतना ही पापी है? बाबा गीता का उपदेश मत दो मुझे, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। राणा के पास जाओ और उसे माफी मांगो। मैं कोई बुजदिल नहीं जो राणा से माफी मांगू बाबा। आज जो हुआ वो तो कुछ भी नहीं था, जो होने वाला है उसकी मिसाल जब तक ये शहर आबाद रहेगा इस शहर के लोग देते रहेंगे। लेकिन मैं अपने किए का बोझ आपके कंधों पर नहीं डालना चाहता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं ये शहर, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। ठहरो शिव, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इस लड़ाई में औरत मर्द के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगी। मुझे छोड़ के जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन जाने से पहले मुझे जहर देते जाना। नहीं बाबा, इनमें से कोई नहीं जाएगा। मैं इस घर की शोभा बनना चाहती थी और इस घर की तबाही मैं अपनी वजह से कभी नहीं होने दूंगी। कौन है ये? ये जलपा है बाबा, अभयंकर परिवार की वो लड़की जिसे राणा के आदमी घर घर ढूंढ रहे हैं ताकि वो उसको बेइज्जत करके इंसानी गोश्त के बाजार में बेच सकें। बाबा ये वो लड़की है जो आज शाम को अपने माता पिता के साथ हमारे घर आने वाली थी बाबा, ताकि आप इसे देखें और इसे अपनी बहू बनने की अनुमति दे सकें। लेकिन अब या तो इसे मिटना होगा या बाजार में बिकना होगा। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना जलपा। मैंने तुम्हें माफ किया, मेरा भगवान तुम्हें माफ करे। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा कि मैं इज्जत की मौत मर सकूं। मैं अपनी होने वाली बहू को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देता हूं। भाभी
बाबा बाबा मैं आपको पुलिस प्रोटेक्शन दे सकता हूँ। किस किस को आप पुलिस प्रोटेक्शन देंगे? मुझे, मेरे परिवार को, सारे हिंदुस्तान को? नहीं प्रताप साहब, जिस कमी को मैं दूर करना चाहता हूँ, जिस कमजोरी को मैं दूर करना चाहता हूँ, वो कमजोरी पुलिस की नहीं, खुद हमारी अपनी है। और इसीलिए इस कमजोरी को हमें खुद ही दूर करना पड़ेगा। हमें एक मिसाल कायम करनी होगी जिसमें एक इंसान का दुख सारे शहर का दुख बन जाए। चोट पड़ोसी को लगे तो दर्द सारे मोहल्ले को हो, और वो मोहल्ला सारा हिंदुस्तान हो। इस देश का कानून हर उस इंसान के साथ है जो सच्चाई के लिए लड़ना चाहता है। अभयंकर परिवार और डीवाईएसपी रहीम के खून के बाद मुझे आदेश मिले हैं कि मैं एक सिटीजन प्रोटेक्शन फोर्स तैयार करूं। इस आदेश के तहत मैं तुम्हें बंदूकों के लाइसेंस ग्रांट कर सकता हूं। बाबा, अपनी भारतीय सभ्यता में बहू को बेटी का दर्जा भी दिया जाता है ना? यह आज एकदम से इंडियन कल्चर की बात कैसे याद आ गई तुम्हें? इसलिए याद आ गई बाबा, क्योंकि हम इसे भूल चुके हैं। आपकी बेटी आपके घर में बैठी हुई है और आप? मैं समझा नहीं। सुषमा भाभी आपकी बेटी ही तो हुई बाबा, और प्रताप साहब से अच्छा लड़का उनके लिए मिलना नामुमकिन है बाबा। भाभी। शिव, क्या बात है शिव? बात तो कुछ पेचीदा है, यानी कि डिफिकल्ट है, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो ना तो बात बन जाए।
अगर मेरे साथ देने से तुम्हें खुशी होती है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रॉमिस, मेरी कसम। प्रॉमिस, तुम्हारी कसम। अच्छा कहो, बात क्या है? बात, आज से तुम ये शोक का सफेद रंग नहीं पहनोगी, बल्कि खुशी और उम्मीद के रंगीन कपड़े पहनोगी। भाभी, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है और मैं तुम्हें इस तरह से घुट घुट के जीने नहीं दूंगा, इसलिए मैंने फैसला किया है। फैसला? मैंने अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने का हक तुम्हें तो कभी नहीं दिया। शिव, उम्र में तुम उससे बड़े जरूर हो, लेकिन रिश्ते में मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ। आज से मैंने रिश्ता तोड़ दिया है। आज से मैं तुम्हारा छोटा देवर नहीं बल्कि बड़ा भाई हूँ, और इस नाते मेरा ये फर्ज बन जाता है कि मैं अपनी जिंदगी संवारने से पहले तुम्हारी जिंदगी संवारूं। ये आज तुम्हें क्या हो गया है शिव? स्वार्थ का पर्दा उठ गया मेरी आंखों से। आज मैं तुम्हें अपने बड़े भाई की विधवा ही नहीं, तुम्हें एक साधारण नारी के रूप में देख सकता हूं, जिसे जीने का, खुश होने का उतना ही अधिकार है जितना कि मुझे। और ये खुशी मैं तुम्हें दे के रहूंगा, ये खुशी मैं तुम्हें दे के रहूंगा।
जलपा चलो, कॉलेज में देर हो रही है। तुम्हारी किताबें ला रही हूँ, ये लो। लो। बालाजी कुल्लम कुल्ला बगावत, इन दोनों का तो राम नाम सत होने वाला। जी बगावत नहीं, अंधेर। हाँ घोर अंधेर। अरे अभयंकर की लौंडिया को घर में छुपा रखा है, मैं तो उसके कपड़े कभी नहीं सीऊंगा। अमर सीऊंगा उसके, फट मेरे जाएंगे। अरे भाइयों तहते कपड़ों की बात करो हो, मैं तो अपने अनाज में से एक गेहूं का दाना नहीं देने वालो। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। गॉड ब्लेस यू माय चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू। बेटा तुम लोग हमारा हमारा बाजा का ध्यान रखना। बेटा तुम्हारा ऊपर कोई भी डेंजर आएगा ना, हम बाजा बजाएगा, हम बाजा बजाएगा। बेटा बहुत साल पहला हम शादी में बाजा बजाता था, वाह हमारा बेटी नाचता था, हम बाजा बजाता था। बेटा अभी अभी हम तुम्हारे लिए बाजा बजाएगा, अपना बच्चों के लिए बाजा बजाएगा। बेटा अपना बच्चों के लिए। गॉड ब्लेस यू माय चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू। हम प्रिंसिपल साहब से मिलना चाहते हैं, प्लीज जरा बुला देंगे उन्हें आप? ठीक है बुलाता हूं, लेकिन आप यही खड़े रहिए। यही खड़े रहेंगे हम दोनों। ये है साहब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां बंदूक लाने की? ये तुम्हारी विद्या का मंदिर है, कोई लड़ाई का अखाड़ा नहीं। हम जानते हैं सर ये विद्या का मंदिर है, इसीलिए तो हम कॉलेज के गेट के बाहर खड़े हैं सर। ये बंदूकें हमने मजबूरी में उठाई हैं सर, और वो मजबूरी क्या है आप सब लोग जानते हैं सर। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर कि ये हमारी बंदूकें अपने पास रख लीजिए सर, जब हम कॉलेज से जाएं तो हमें लौटा दीजिएगा प्लीज सर। अभयंकर की बेटी को नाथ के बेटे ने पनाह दी, बड़े अफसोस की बात है, लेकिन अफसोस मुझे नहीं नाथ को करना चाहिए, क्योंकि आज शाम तक उसको अपने बेटे की अर्थी को कांधा देना होगा। जब हम कॉलेज गए थे तो ये सारी दुकानें खुली थी, अब बंद क्यों हैं? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। I'm all right. देखा आपने, इन दरिंदों का मुकाबला किया जा सकता है, इन्हें मात दी जा सकती है अगर आप लोग हमारा साथ दें तो। मैं इसी शहर की बेटी हूँ, इसी शहर ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा। आप में से कितनों की गोदियों में खेली होंगी। एंथनी अंकल, पैदा होने पर आप मेरे गॉडफादर बने थे ना, मेरे पिता को अपना भाई कहते थे। आप भी खामोश है। सर झुकाने पर आपको अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा मिस्टर एंथनी, तब आपका जमीर आपको झिझोड़ेगा और आपसे सवाल करेगा कि आपके दोस्त मिस्टर अभयंकर का कत्ल किसने किया, राणा की गोलियों की गूंज ने या आप। और आप जैसे ही शरीफ और इज्जतदार इंसानों की खामोशी ने, यह सवाल आपसे पूछा जाएगा और इसका जवाब आप ही को देना होगा। मैं वादा करता हूं कि मैं और मेरी पुलिस फोर्स पूरी ताकत के साथ आप सबकी हिफाजत करती रहेगी और राणा और उसके आदमी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। बस सिर्फ मुझे आप सब में से एक गवाह चाहिए राणा के बेटे के खिलाफ, सिर्फ एक गवाह। मुझे एक गवाह चाहिए राणा और उसके बेटे के खिलाफ, सिर्फ एक गवाह। कल रात अभयंकर अपुन को सपने में आया, बोला जलपा का ख्याल रखना। अम्मा तुम्हारी और अभयंकर की तो दांत काटी दोस्ती थी, वल्ला हमेशा तुम्हें अपना अंडरवेयर फ्रेंड कहा करता था। अरे भाइयों, वो दोस्त तो मारो भी थो, पर एब शर्म आवे हमें। नमस्कार एसपी। नमस्कार राणा साहब, तशरीफ रखिए। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मेरे लिए कुछ करने की ताकत तुम्हारे पास नहीं है। आप गलत कह रहे हैं। अगर मैं चाहूं तो आपके बेटे और आपके आदमियों को छोड़ सकता हूं, और अगर मैं चाहूं तो आपको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद कर सकता हूं, लेकिन लेकिन तुम ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि तुम एक शरीफ आदमी हो। क्या कह रहे हैं आप, पुलिस और शराफत, इतना बड़ा इल्जाम ना लगाइए मुझ पे। इल्जाम तो तुम हम पर लगा रहे हो एसपी, ये पब्लिक के सामने भाषण देना कहां से सीखा तुमने? क्यों, आपको डर है कि इस शहर के लोग कहीं सच ना बोल उठें? शेर गीदड़ से नहीं डरता एसपी। लेकिन मैंने अपने हवालात में कई शेरों को गीदड़ की तरह रोते हुए देखा है। अरे रे, आप तो गुस्सा हो गए लगता है। गुस्सा सिर्फ कमजोर लोगों को आता है एसपी, और मैं कमजोर नहीं हूं।
हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अपनी याददाश्त को तेज कर लो। अब जब खाता खुल ही गया है हमारा तुम्हारा, तो हिसाब किताब में कहीं भूल चूक ना हो हमसे या तुमसे। भूल चूक का वक्त खत्म हो चुका है राणा साहब, अब वक्त है वसूली का। सूद हवालात के अंदर है, असल हवालात के बाहर। बस असल की वसूली हो जाए तो खाता बंद कर दूंगा। अपनी जिंदगी की कीमत जानते हो एसपी? एक बार जिंदगी को कीमती जानकर धोखा उठा चुका हूं, अब तो इसकी कीमत रास्ते के पत्थर से भी कम समझता हूं। इसलिए आपको खबरदार कर रहा हूं कि अगर आपने या आपके किसी आदमी ने शिव और उसके परिवार की तरफ नजर भी उठाई, तो अपनी जिंदगी के साथ साथ आपके बेटे की जिंदगी भी रद्दी के मोल बेच दूंगा। ये क्या महसूस किया तेरे भक्त ने? कमजोरी, लाचारी, बेबसी? उस मामूली से पुलिस वाले ने मुझे धमकी दी, मुझे, और मैं बेबस होकर चला आया। मैंने तो सुना था औलाद इंसान की ताकत होती है, लेकिन आज जब मैंने अपने बेटे की जान की धमकी सुनी, तो मुझे पहली बार पता लगा कि औलाद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। मैं तेरा भक्त हूं मां, और तेरे भक्तों को किसी भी प्रकार की कमजोरी शोभा नहीं देती। मां, मेरी इस कमजोरी को शक्ति में बदल डाल। मुझे फख्र है तुम दोनों पर कि तुम जैसे स्टूडेंट्स मेरे कॉलेज में पढ़ते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेल डन। थैंक यू सर। वी आर प्राउड ऑफ यू। शिव, काश हम में भी इतनी हिम्मत होती। जानते हो प्रताप, पिछले हफ्ते जिस बन्ने ने राणा के डर से हमें राशन देना बंद कर दिया था, वो खुद ही हमारे घर राशन लेके आ गया। अच्छा, लगता है धीरे धीरे राणा का खौफ दूर हो रहा है। अगले हफ्ते जाकाल पर खून के मुकदमे की हियरिंग शुरू हो रही है। मुझे यकीन है आस्ते आस्ते लोगों का जमीर जाग उठेगा। मिस्टर नाथ, आपके घर पे गेला, पता चला आप चेक नाके पहले। नमस्ते जी। नमस्ते जी। मिस्टर नाथ, आज पूरा शहर आपका फैमिली को देखकर बहुत प्राउड फील करता है।
हम आपको, आपके फैमिली को, प्रताप साहब को इनवाइट करने आए हैं। कल मेरी बेटी का शादी है। आइयो, सिर्फ एंटोनी का बेटी का शादी नहीं है जी, हम सब का बेटी का शादी है जी। इसीलिए तो हम सब आपको दावत देने आए। आप लोग हमारा बेटी की शादी में आएगा, हम बहुत प्राउड फील करेगा। जरूर आएंगे। मुबारक हो। अभ्यंकर का खून हो गया, उसका बेटी ऑर्फन हो गया, और हम, हमारे बेटे का शादी बुला था। नहीं, नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। ठीक तो तब होगा
जब अभ्यंकर का कातिल फांसी पे चढ़ेगा और फांसी पे तब चढ़ेगा जब जब हम सच बोलेगा। हम सच बोलते हैं एसपी साहब, हमने अपनी आंखों से जाकल को अभ्यंकर का खून करते हुए देखा एसपी साहब। हम आपके साथ चलेगा, हम विटनेस देगा, हम विटनेस देगा साहब, हम भी विटनेस देगा, मैं भी गवाही दूंगा, हम भी जाओगे गवाही देंगे, हम जाएं, मैं भी विटनेस दूंगा। समय आ गया है माँ, आज का फैसला किसी जज की अदालत में नहीं, रणभूमि में होगा। आज तेरे चरणों में जानवरों की नहीं इंसानों की भेंट चढ़ेगी, भेंट चाहे दुश्मनों की हो या मेरी। आप सबके मजबूत कंधों पर मैं इस शहर की जिम्मेदारी छोड़कर जा रहा हूं, और मेरे साथ जा रहे हैं वो चंद बहादुर लोग जो जाकाल को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में कानून की मदद करेंगे। आपकी ड्यूटी क्या है आप सब जानते हैं। इंस्पेक्टर अपनी अपनी जगह पर तैनात कर दो। कंपनी डिसमिस। तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, चलो कमन फास्ट। अच्छा डार्लिंग, अपुन चलता है, गुड बाय। आज तुमने दारू नहीं पी? आज अपुन को दारू का नशा का हेल्प नहीं मांगता। आज अभ्यंकर की दोस्ती का नशा बहुत स्ट्रांग है। अरे सतेंद्र भाइयों, हमने धंधे में चोखो कमायो, इब इज्जत कमाण के दिन आ गयो, के कही सतेंद्र भाइयों? बिल्कुल आ गए बेगम। आज तक के मैंने अपने सिए हुए कपड़ों से दूसरों के जिस्मों को सजाया है, लेकिन आज आज इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी आकबत सजाऊंगा। खुदा आपको आपके मकसद में कामयाब करे। हमरा तो कोई आगे पीछे कोई है नहीं, अगर हमका कुछ हो गया ना तो ये दुकान तुम्हारी। हा? चलो ओ मां साहब, तो आर पान हम बांध लिए हैं। अयो बालाजी, ये तमिलनाडु क्या पीछे रहेगा जी, आज टकराव है राणा और जकाल से। डीएसपी साहब, आपको शायद मालूम तो है कि यहाँ से कोर्ट तक की दूरी बहुत है। हाँ ठीक कहा तुमने, लेकिन तुम्हें तो रास्ता यहाँ से फांसी के फंदे तक तय करना है। सब्र से काम लो, धीरे धीरे तय हो जाएगा। एसपी साहब, एसपी साहब, हमारे गांव को बचाने वाले डाकू लोग सारे के सारे गांव को लूट लिए, हुजूर 10 आदमी को जान से मार दिया है, चार जवान लड़की को उठा कर ले गए हैं। कौन से गांव में डकैती हुई? हुजूर रहमतपुरा गांव में हुआ हुजूर, गन्ने के खेत के अंदर गांव वालियों की इज्जत के साथ में खेल रहे हैं। मालिक हमारे एकमात्र इकलौती बिटिया है, उनकी इज्जत लूट गई तो हम कहीं मुंह दिखलाने के लायक नहीं रहेंगे। चार सिपाही लेकर एंथनी के वैन में जकाल को लेकर जाओ, तुम चलो मेरे साथ, चलो बढ़ो। Thank you.
मैं कहता हूँ, जल्दी चलो, जल्दी चलो, कमान कमान। पीछा करो। क्या हुआ रामलाल? कुछ नहीं रहमान भाई, अब हम तोके छोड़ के जा रहे हैं। हमको छोड़ के जा रहे हो रामलाल? फिर हमको पान कौन लगा के देगा? हमके मालूम रहा है, और इससे तोर खातिर 15 बनारसी पाल आए हैं। हाँ, हिसाब में गड़बड़ ना करना, मुन्ना का मुन्ना को बराबर पैसे देना, और उसको ख्याल रखना। रामलाल, शिव साहब अब निकल जाइए, पुलिस को ड्यूटी करने दीजिए, निकल जाइए। भाभी कहाँ है? भाभी कहाँ है? भाभी, 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 ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटे, जो इसे यहां ले आए। अब हमें उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं, शिकार खुद शिकारी के पास आएगा। नहीं, Rania, I'm coming. Rania.
Bastard! You bloody bastards! You bloody bastards! Baba, शिकार शिकारी के पंजे में फंस चुका है। अब वो लोग बच नहीं सकते। मेरी और इस पुलिस वाले की जंग है, कोई बीच में नहीं आएगा। ख्वाहिश जरूर पूरी होगी लड़की, क्योंकि अब तो इसे भगवान भी नहीं बचा सकते। ये क्या किया मां, मुझसे अपनी देवी शक्ति छीन ली। मां क्षमा। इस शहर के नासूर को मिटा के रहूंगा। आज वो दिन आ गया है राणा। आज तुझे हर गुनाह की सजा मिलेगी राणा। डीवाईएसपी रहीम के कत्ल की, मासूम चलपा को यतीम बनाने की, मैं और देख नहीं सकता।
लगता है हम लोग जीत गए। Thank you.